हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अकाउंट्स हवेली। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और कंपनी लॉ में जो जो हमने अजम्पशन की थी, जो जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। बच्चों, ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं पास्ट 10 ईयर्स का और आपकी बुक से कि किस तरीके का क्वेश्चन ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना सब कुछ आपके लिए करते हैं इसीलिए कि आपका पेपर अच्छा चला जाए। और इसमें आपको से केवल इतना सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और कंटेंट इम्पोर्टेंट भी होगा, समझ में भी आएगा और पेपर में भी आएगा। तो वो सारे डाउट छोड़कर आपने जहाँ पढ़ा जैसा पढ़ा उस पर हमें नहीं जाना है। आपका पेपर है, अच्छा होना चाहिए, हमारे एफर्ट्स यही हैं। बच्चे खुश होंगे, हम अपने आप खुश हो जाएंगे और हमें हमारी खुशी इस चीज़ में होगी कि आप हमें सपोर्ट करें, कमेंट करा करें, वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी करवाएं। चलिए मैं बात करता हूँ आज के इस लेक्चर सीरीज में इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ मैं कवर करूँगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनमें थ्योरी के कुछ क्वेश्चन भी मैंने ले लिए हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल से थोड़ा लिंक करते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का अपना वीडियो। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोविज़न बताइए, TDS का क्या क्या प्रोविज़न होता है जब हम सैलरी से कट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस इसके हैं। साथ में टैक्स रेट वाला क्वेश्चन कि किस पे कितना रेट लगता है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है कि एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दे दे और बोल दे आपसे टैक्स निकाल के दिखाइए। ये मैंने पीछे कुछ वीडियो इनकम टैक्स पे बनाई थी, वहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 87A की रिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सरचार्ज और हेल्थ सेस वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको बहुत ढंग से पढ़ के जाएँ, ये पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई हैं, हाईली रेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मेरे बच्चों, इनको बहुत ढंग से पढ़ के जाने की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हाँ, हमारी चीज़ें बताने के बाद में, जो हम बता रहे हैं वो पढ़ने के बाद में आप हल्के में ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको देखे बिना हल्के में ना लें। अगर वीडियो बिना देखे आप हल्के में लेंगे तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा। एडवांस टैक्स का ये क्वेश्चन कि एडवांस टैक्स की पेमेंट जो हम करते हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है, एडवांस टैक्स के बारे में। बच्चों, यहाँ पर जो मैं कवर कर रहा हूँ फिर से आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं है, सारे लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस हैं जो प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तब तक के लिए आप ये लर्न कर लें। क्योंकि जिन बच्चों का प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा नहीं है, उन्होंने करा नहीं है और वो इनकम टैक्स देना सोच रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं क्योंकि थ्योरी भी उतने ही प्रोपोर्शन में आएगी और इनकम टैक्स में कोई थ्योरी नहीं है। अगर आपको प्रोविजन्स आते हैं तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है, जो इनको ढंग से पढ़ लें। एडवांस टैक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है इसको कि एडवांस टैक्स क्या होता है, इसकी पेमेंट किस तरीके से करनी पड़ती है, कैसे कैसे करनी पड़ती है और किसके क्या क्या प्रोविज़न होते हैं, टाइप ऑफ असेसमेंट कौन कौन से असेसमेंट होते हैं उनके बारे में बताइए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ढंग से करके जाने की ज़रूरत है। आप स्क्रीनशॉट लेके या बीच में वीडियो को मेरी बातें भी सुना करें, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो को आगे 10 सेकंड बढ़ा दिया और स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं बीच बीच में इंपॉर्टेंट बातें भी बोलता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले वीडियो को पूरा देखा करें और दूसरी बार में आके स्क्रीनशॉट लिया करें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करें, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपका लगने वाला नहीं है। डोनेशन डिडक्शन से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेटअप कैरी फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। जिन बच्चों ने हमसे फेस टू फेस क्लासेस ली थी उनको तो हमने अच्छे से करा ही दिया है। गाजियाबाद रीजन में हम फेस टू फेस क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो हमसे थर्ड ईयर में लेना चाहेंगे तो हम बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, वो आप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा तरीका है वो आपको मैचअप करके देगा ही देगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में आ रहे हैं, जल्दी से देखें ये क्वेश्चंस हैं, बीच में मैंने क्वेश्चंस ले लिया, कैपिटल गेन के किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, मिक्सचर है, बीच बीच में क्वेश्चंस भी हैं। सर अभी आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कौन बच्चा पूरी वीडियो देखता है, जो थ्योरी की समझ के छोड़ देगा उसका छूट जाएगा। सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत ढंग से देखें, सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ मैंने कवर कर लिए, थ्योरी वाले प्रैक्टिकल वाले सारे कवर कर लिए। देखिए, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी में अलाउंसेस और परक्यूजिट्स वाला क्वेश्चन, वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है, वो तो आपको करने ही करने हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अदर सोर्सेज का इस तरीके का क्वेश्चन आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, करना ही
करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सैलरी, ये सब कर लें और सेटअप कैरी फॉरवर्ड उधर थ्योरी में। एग्जेम्प्ट इनकम कौन कौन सी हैं वो वाला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इनकम और डेयरी इनकम फ्रॉम डेयरी वाली ये किस चीज़ में आती हैं, और रेजिडेंशियल स्टेटस हमारा क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें। ये सैलरी का ये वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। सैलरी का इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी बार आया हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउस प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी में इस तरीके का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं, हाईली रेटेड क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ के जाएं, ठीक है। ये सैलरी का क्वेश्चन है, टैक्सेबल इनकम इसमें हर सारी चीज़ें दे रखी हैं, बेसिकली जो ज़्यादा पोर्शन है वो सैलरी का है, तो सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ के ढंग से करें, ठीक है। सैलरी का ही एक तरीके से क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करें क्योंकि बाकी चीज़ें जल्दी से, यही भी सैलरी का क्वेश्चन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। मैं बच्चे को बोलता हूँ इन तीन पर ध्यान दें, PGVP, प्रॉफिट एंड गेन, बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर पाओगे इसलिए उसको स्किप ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपसे होगा भी नहीं। और इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन या रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन लिख के रख लो, मेरी इस बात को लिख के रख लो, या तो रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन या इस तरीके की इनकम कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इसको आपको ढंग से करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनकम के क्या क्या फीचर होते हैं, मॉनेटरी नेचर की होती हैं ये, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम वाला, इसको भी बहुत ढंग से पढ़ के जाएं, आप अपने पेपर में धूम मचा देंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, साथ में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और बीच में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस का कंप्यूटेशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, ये क्वेश्चन भी लिख के अलग से रख लें, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है, और बेसिक और एडिशनल कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन भी फंस जाएगा। अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर ये वाला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम्पल से बताइए, ठीक है। आज का ये वीडियो इनकम टैक्स वाले बच्चों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर किया करें, टारगेट रखते हैं 50 लाइक का, देखते हैं आप सब कंप्लीट करते हैं या नहीं। आप कंप्लीट करेंगे, इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगा, और तुरंत ही कंप्लीट होते ही दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, और आपको शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। जब तक के लिए घर रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, सारी चीज़ें पढ़ के जाएँ और अच्छे से दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।